पब्लिक टीवी आपकी आवाज। करणी सेना के द्वारा अमर शहीद सरदार भगत सिंह की जयंती का उत्सव मनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में सैकड़ों करणी सैनिक सरदार भगत सिंह को पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। करणी सैनिकों के द्वारा हनुमान मूर्ति मंदिर पार्क में तिरंगे के नीचे सरदार भगत सिंह के चित्र के समीप पुष्प अर्पित किए गए। उनके द्वारा दिए गए बलिदान का स्मरण किया गया। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने बताया कि 23 वर्ष की उम्र में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने फांसी के फंदे को चूम लिया था और देश के करोड़ों युवाओं के हृदय में आज़ादी की ज्वाला जलाई थी। इस अवसर पर सरदार भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह और माता विद्यावती देवी को भी नमन किया गया, जिन्होंने ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा है। क्या प्रोग्राम आज रखा है आपने? करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूं प्रदेश का। जी, आज हमने सरदार भगत सिंह की जयंती का उत्सव मनाया है। सरदार भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया था इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और मैं उनके माता पिता सरदार किशन सिंह और उनकी माँ विद्यावती देवी दोनों को नमन करता हूँ कि उन्होंने ऐसी वीर सपूत, ऐसे जाबाज संतान को जन्म दिया कि जिसने इस देश के तमाम युवाओं को आज़ादी की धारा से जोड़ा। तो मैं पूरे देश के युवाओं से भी ये अपील करना चाहता हूँ, आह्वान करना चाहता हूँ कि उनके बलिदान को भूलें नहीं, उनके बलिदान को याद रखें, अपनी पीढ़ियों को बताएँ कि उन्होंने किस प्रकार से 23 वर्ष की उम्र में उन्होंने फांसी के फंदे पर झूल गए थे, सरदार भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु। तो आज हमने उनकी जयंती का उत्सव मनाया है। मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ करणी सेना परिवार की तरफ से, और विशेषकर ऋतु बहन जी के आह्वान पर आज हमने ये कार्यक्रम रखा। तो सभी करणी सैनिक इसमें उपस्थित रहे, सभी का बहुत बहुत आभार, और सरदार भगत सिंह को एक बार भावपूर्ण श्रद्धांजलि।